नमस्कार, मैं मनोज बनू, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। इंडिया न्यूज़ पर बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। इसके पहले जितना भी जो अरुणाचल वाला हिस्सा था या तिब्बत वाला हिस्सा था, जो जिस पर कि चीन लगातार नज़र बनाए हुए है और वो भारत की सीमा में घुस रहा है, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर वो कब्जा कर रहा है और चीन अपने गाँव भी बसा रहा है और वहाँ पर अपने लोगों को ठहरा रहा है। भारत सरकार के लिए चिंता की एक और बात, और वो बात है नेपाल। नेपाल जो कभी भारत के बहुत नज़दीक हुआ करता था, नेपाल जो भारत के लिए हमेशा विपरीत समय में भारत जिसके साथ खड़ा रहता था, अब वही नेपाल अपने रंग दिखा रहा है। वहाँ के प्रधानमंत्री प्रचंड अपने रंग दिखा रहे हैं। क्या ये चीन की शह पर हो रहा है? क्योंकि कुछ ऐसे कूटनीतिक संबंध हैं, कुछ ऐसे राजनयिक संबंध हैं जिनके कारण अब नेपाल धीरे धीरे चीन के नज़दीक जा रहा है और भारत से दूर जा रहा है। एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, चौंकाने वाली खबर बता रहा हूं, जो कि कहीं ना कहीं चिंता में भी डाल रही है तीन क्षेत्र। मेरे पीछे आप जो इलाका देख रहे हैं, ये ऐसा इलाका है जो भारत और नेपाल से लगा हुआ है। ये वो इलाका है, ये इलाका है लिपुलेक, लिम्पियाधुरा और कालापानी। ये लिपुलेक और लिम्पियाधुरा कालापानी ये भारत के कब्ज़े में है, भारत के कब्ज़े में है, भारत के पास है। लेकिन नेपाल ने एक हरकत की है। नेपाल ने क्या हरकत की है? आप मेरे पीछे ये नेपाल का 100 रुपये का नोट देख सकते हैं। ये 100 रुपये का नोट है नेपाल का, और इस 100 रुपये के नोट पे ये जो इलाका है ये भारत के कब्ज़े वाला इलाका है। इस कब्ज़े वाले इलाके में मैंने तीन जगह बताई आपको। वो तीन जगह कौन सी हैं? वो तीन जगह हैं लिपुलेक, लिम्पियाधुरा और कालापानी। इन तीनों जगहों को नेपाल ने अपने 100 रुपये के नोट पर, 100 रुपये के नोट पर छाप दिया है और ये संकेत देने की कोशिश की है कि ये नेपाल का हिस्सा है, नेपाल की जगह है। वाकई एक चौंकाने वाली बात है, यानी कि वो इलाके जो भारत के पास हैं, वो इलाके जिन पर भारत का कब्ज़ा है, वो इलाके जिन पर भारत हमेशा अपना दावा करता रहा है, अब नेपाल उस पर अपना हिस्सा जमा रहा है, उस पर अपना अधिकार बता रहा है 100 रुपये के नोट पर। नेपाल की 100 रुपये की करेंसी पर उन तीनों उस इलाके को उसने दिखा दिया है। असल में 18 जून 2020 को प्रचंड, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री, उनकी अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक होती है और उस मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला होता है। कब होता है? 2020 18 जून को ये फैसला होता है कि ये तीनों क्षेत्र लिपुलेक, लिम्पियाधुरा और कालापानी अब उनके राजनीतिक मानचित्र का हिस्सा है और उसमें ये शामिल कर दिए जाते हैं। और उसके ठीक बाद शुक्रवार को ये 100 रुपये के नोट पर, 100 रुपये के नोट पर वो छाप दिया गया है। बड़ी चिंता की बात है कि भारत के वो हिस्से जिन पर भारत अपना दावा जता रहा है, भारत अपना कब्जा बता रहा है, उन तीनों हिस्सों को नेपाल की करेंसी 100 रुपये पर, 100 रुपये पर उन्हें छाप दिया गया है। अब देखना है कि आगे आने वाले समय में भारत इस बात का विरोध किस तरीके से दर्ज करता है।